होता ना कि भाई आज काफ़ी बड़ा कुछ अचीव कर लिया लाइक दैट, और खुद उड़ीसा के राज्यपाल जो रह चुके हैं गणेशी लाल जी के हाथों मिली, तो इससे अच्छा तो कुछ और हो भी नहीं सकता। उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल और इसी कॉलेज में वो प्रोफेसर रहे हैं, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं उनका विद्यार्थी भी रहा हूँ। तो इस समय आप हमारे साथ हाजिर हरियाणा और पीआर देसी खबर के साथ जुड़ चुके हैं सिरसा के राजकीय नेशनल स्नातकोत्तर महाविद्यालय के अंदर, जहां दीक्षांत समारोह शैक्षणिक जीवन में छात्र का यह एक उत्सव होता है, और इसी उत्सव के साथ हमारे साथ यहां सभी छात्र नजर आ रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। बेटा आज आपने कौन सी डिग्री हासिल की है? कॉमर्स की। तो कैसा लगा, 3 साल का अथक प्रयास और समर्पण रहा आपका पूरा? बहुत अच्छा लगा, हमें 3 साल की मेहनत का आज हमें रंग वो मिला, फल मिला है, और हमें गणेश जी लाल ने जो पूर्व राज्यपाल थे उड़ीसा के, उनसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। आइए इनकी डिग्री पर नज़र डालते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स। तो छात्र कैसा लगा आज दीक्षांत समारोह? एक छात्र को इंतजार रहता है इस दिन का, विशेष दिन है आज आपके लिए। जी पहली बात तो बहुत बहुत खुशी है कि हमें ये डिग्री फाइनली 2 सालों के बाद मिली है, और मिली भी है हमें प्रोफेसर गणेशी लाल जी से, तो इस बात की भी बहुत खुशी है, क्योंकि जब आप किसी ऐसी पर्सनैलिटी से कुछ रिसीव करते हैं तो आपको प्राउडली कुछ ना कुछ फील होता है, और बहुत खुशी है। इसी बहाने की रियूनियन भी हो गया। डिजीज, स्किन डिजीज रादर यू कैन से, ये मेरे रिश्तेदार है सामने ये। देन द लॉर्ड कृष्णा सेज, परफॉर्मिंग द प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी इज परफेक्शन। विवेकानंद आल्सो से, द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन इन लाइफ इज, दैट इज व्हाट एजुकेशन इज। So this means convocation is perfection. Few people believe that we are a body in a soul. You can have any mask, you see, but divine if you unmask. Mukota utarne ke baad you are divine, you see. Therefore Lord Krishna says, Indriyani praniya indriyatha paromanam manasuta para buddheyo buddhe para tastu. You are not senses, you are not the body, you are beyond mind and intellect. You are the valentine of the divine, you see. Jisne dharti par tumko bheja, tum uski premika ho. Tum uske priyatam ho. आपकी बात अपनों तक और आपके दर पर पहुंचाने आया है हाजिर हरियाणा, और इस समय हाजिर हरियाणा की टीम सिरसा के राजकीय नेशनल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में, जहां आज बीए फाइनल ईयर और बीएससी बीकॉम का दीक्षांत समारोह, यानी कि आज उनको बांटी जाएगी डिग्रियां। और इस समय राजकीय नेशनल स्नातकोत्तर में हाजिर हरियाणा की टीम पहुंच चुकी है, और यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर उड़ीसा से रहे राज्यपाल गणेशी लाल जी और उनके साथ उनके सपुत्र मनीष सिंगला जी पहुंचने वाले हैं। तो आइए इसी के साथ अगर अंदर देखेंगे तो एनसीसी कैडेट से जो छात्राएं हैं उन्होंने विशेष रूप से तैयारियां की है, तो आइए अंदर चलकर हम विजिट करते हैं और जो दीक्षांत समारोह की झलकियां हैं आपको दिखाने का प्रयास करते हैं।
मनीष सिंगला जी, प्रोफेसर आर पी सेठी जी, श्री हरपिंदर शर्मा, सभी का हार्दिक स्वागत। मैं आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर मैडम अनुदीप गोयल और स्मृति कंबोज जी को कि कृपया आए, और हमारी मुख्य अतिथि अध्यक्ष महोदय। मुझे प्रदत्त विशेषाधिकार के आधार पर मैं आपको क्लास स्नातक की उपाधि के लिए स्वीकार करता हूं और आपको इस उपाधि के प्रतीक चिन्ह के रूप में उपवस्त्र पहनने के लिए अधिकृत करता हूं। उपाधि के लिए स्वीकार करता हूं और आपको इस उपाधि के प्रतीक चिन्ह के रूप में उपवस्त्र पहनने के लिए अधिकृत करता हूं। हमारा कहने का मतलब ये है कि कॉन्वोकेशन का मतलब होता है सव धर्म पालन, अगर हिंदी में कहा जाए। परफॉर्मिंग द प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज़, ये परफेक्शन है। भगवान कृष्ण कहते हैं यज्ञः कर्म समुद्भव है। अगर आप अपने धर्म का पालन ठीक से, धर्म का मतलब है निर्विकार होना, निर्मम होना, नित्य होना, निष्काम होना, ये सब धर्म है। अर्थात मेरा कोई नहीं है, जो भी है मुझे अपना काम करना है। तो ये हमने कहा। और दूसरा हमने कहा कि लाइफ में अगर अटैचमेंट है तो कोई दीक्षांत भाषण का कोई अर्थ नहीं। इसलिए हमने कहा कि लाइफ माइनस अटैचमेंट अर्थात कर्मयोग ही कॉन्वोकेशन है। फिर हमने कहा कि कॉन्वोकेशन में वोकेशनल कॉन्शियसनेस आता है कि जो भी काम आप करते हैं, जो भी करेंगे वो चेतना के साथ करिए, अर्थात भगवान के साथ उसको जोड़ दीजिए। आप IAS ऑफिसर बने, प्रोफेसर बने, कुछ भी बने, पर जो भी आप करते हैं वो उसके साथ जोड़ना है। दैट इज़ ट्रांसेंडेंस। तो ट्रांसेंडेंट हो, परफेक्शन हो, या कर्मयोग हो, जिसको लाइफ माइनस, ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। फिर आगे भगवान कृष्ण ने तीन चार बातें और कहीं कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पर क्यों हो, तुम कहाँ पर हो और तुम्हें कहाँ पर होना चाहिए, इसको थोड़ा बताने का हमने कोशिश किया है संक्षेप। मुझे आप बतौर उड़ीसा के राज्यपाल रहते हुए बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में साक्षी रहे हैं दीक्षांत समारोह के, और यहीं से आपने छात्र जीवन भी और यहाँ प्रोफेसर भी रहे आप मैथमेटिक्स के, तो कैसा लगा आज के दीक्षांत समारोह में बच्चों के साथ डिग्रियाँ? मुझे लगा कि मैं फिर से स्टूडेंट हूँ। इस समय आप हमारे साथ देख रहे थे बाऊजी गणेशी लाल जी, जो कि नेशनल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जो कि मैथमेटिक्स से यहाँ प्रोफेसर रहे और छात्र जीवन भी उनका यहीं बीता। तो नेशनल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आज दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रोफेसर गणेशी लाल जी यहाँ शारीक हुए, और इस समय की आप हमारे साथ यहाँ झलकियाँ देख रहे हैं। और इसी के साथ समाज सेवी सम्राट मनीष सिंगला जी भी, जिन्होंने अपनी यहाँ उपस्थिति दर्ज की, तो जुड़े रही। तो इस समय आप हमारे साथ हाजिर हरियाणा और PR देसी खबर के साथ जुड़ चुके हैं सिरसा के राजकीय नेशनल स्नातकोत्तर महाविद्यालय के अंदर, जहां दीक्षांत समारोह शैक्षणिक जीवन में छात्र का यह एक उत्सव होता है। और इसी उत्सव के साथ हमारे साथ यहां सभी छात्र नज़र आ रहे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। बेटा आज आपने कौन सी डिग्री हासिल की है? कॉमर्स की। तो कैसा लगा, 3 साल का अथक प्रयास और समर्पण रहा आपका पूरा? बहुत अच्छा लगा, हमें 3 साल की मेहनत का आज हमें रंग वो मिला, फल मिला है, और हमें गणेश जी लाल ने जो पूर्व राज्यपाल थे उड़ीसा के, उनसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। तो आइए और भी छात्राओं से बात करेंगे। आपने कौन सी डिग्री, बैचलर ऑफ कॉमर्स BCom की करी है?
बैचलर ऑफ कॉमर्स करी है हमने, बड़े मुश्किल से करी थी, पास हो चुकी है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, 3 साल का हमें फल मिल चुका है आज। तो आगे मास्टर ऑफ कॉमर्स? हाँ जी, MBA कर रही है CDLU से। तो आइए और भी हमारे साथ देख सकते हैं खूबसूरत आज जहाँ का यह उत्सव का नज़ारा है, और इस नेशनल स्नातकोत्तर महाविद्यालय के अंदर वहाँ भी हमारे को छात्र नज़र आ रहे हैं जो कि अपना अकादमिक हुड प्राप्त कर लिया है। आज आपने वो 3 वर्ष का अथक प्रयास के बाद अकादमिक हुड प्राप्त किया है, बैचलर ऑफ कॉमर्स। तो किस तरीके से पूरा 3 साल रहा नेशनल कॉलेज में आपने गुजारे और वो समर्पण, आज आपको ये डिग्री आपने हासिल की? बढ़िया रहा, 3 साल हमारे बहुत अच्छे निकले और बेस्ट स्टाफ था हमारे पास और हमने अपनी स्टाफ। तो आइए मेरे साथ और भी छात्र वहाँ देख सकते हैं, इसी समूह के साथ ये सुंदर सुंदर छात्र भी नज़र आ रहे हैं, आइए इनकी डिग्री पर नज़र डालते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स। तो छात्र कैसा लगा आज दीक्षांत समारोह? एक छात्र को इंतज़ार रहता है इस दिन का, विशेष दिन है आज आपके लिए। जी, पहली बात तो बहुत बहुत खुशी है कि हमें ये डिग्री फाइनली 2 सालों के बाद मिली है, और मिली भी है हमें प्रोफेसर गणेशी लाल जी से, तो इस बात की भी बहुत खुशी है क्योंकि जब आप किसी ऐसी पर्सनैलिटी से कुछ रिसीव करते हैं तो आपको प्राउडली कुछ ना कुछ फील होता है, और बहुत खुशी है। इसी बहाने की रियूनियन भी हो गया, जो दोस्त हैं कहीं ना कहीं काम में लग गए, कोई पढ़ाई में लग गया, मिल नहीं पाते थे, तो फाइनली एक रीज़न मिला जिससे कि हम दोबारा एक जगह पे इकट्ठे हुए, तो बहुत खुशी है इस चीज़ की। तो आइए और भी छात्राओं से बात करेंगे, यहाँ हमारे साथ छात्र नज़र आ रही है, इस छात्र से बात करेंगे। बेटा रुको, आपने कौन सी डिग्री हासिल की है दिखाओ पहले। बैचलर ऑफ कॉमर्स के साथ हमारे को एक और छात्रा नज़र आ चुकी हैं, संदीप जैन। तो बेटी आपको कैसा लगा नेशनल कॉलेज में आपने बैचलर ऑफ कॉमर्स किया? बहुत अच्छा लगा मेरे को कि मैंने नेशनल कॉलेज से अपनी बैचलर की जो डिग्री है वो पूरी करी, अच्छा लगा मुझे। तो आगे मास्टर ऑफ कॉमर्स कर रही हूँ, MBA मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो देख सकते हैं आप हमारे साथ यहाँ नेशनल कॉलेज से हमारे साथ प्रोफेसर साहब भी नज़र आ रहे हैं, आइए इनसे भी बात करेंगे। सर आज कैसा लगा, आपने विशेष रूप से कौन सी आज राजशाही पोशाक पहन रखी है? हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा लगा, ये इंडियन अटायर है और हमने जो परंपरागत जो ब्रिटिश साम्राज्य की निशानी थी उसको त्याग दिया आज। अब हमारे सारे स्टूडेंट्स वाइट कुर्ता पजामा और टीचर्स वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में नज़र आ रहे हैं, और सभी ऐसा अटायर कॉलेज का लोगो लगा हुआ है ऐसा हमने पहना है, और सभी विद्यार्थियों में और टीचर्स में बड़ा जोश है, इन्होंने कम्प्लीट करके अपनी डिग्री अर्ज की है, और इन सबको हमारी विशेज हैं कि वो जिंदगी में आगे कामयाब हों, बेस्ट विशेज सबको, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं आप हमारे साथ यहाँ प्रोफेसर्स और छात्राओं का आप मुस्कान देख सकते हैं, इसी मुस्कान के साथ आइए बात करेंगे बैचलर ऑफ आर्ट्स, इनसे चर्चा करेंगे। आज आपने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है तो कैसा लगा, और राज्यपाल से ये आपको डिग्री यानी आपने अकादमिक हुड प्राप्त किया है? बहुत एक प्राउड का मोमेंट है, एक होता ना कि भाई आज काफ़ी बड़ा कुछ अचीव कर लिया लाइक दैट, और खुद उड़ीसा के राज्यपाल जो रह चुके हैं गणेशी लाल जी के हाथों मिली, तो इससे अच्छा तो कुछ और हो भी नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं यहाँ राजशाही पोशाक के अंदर लेक्चरर नज़र आ रहे हैं। सर आज के जो दीक्षांत समारोह के हमारे मुख्य अतिथि थे वो उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल और इसी कॉलेज में वो प्रोफेसर रहे हैं, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं उनका विद्यार्थी भी रहा हूँ, और आज बहुत खुशी का दिन है, बहुत लक्की दिन है हमारे लिए, थैंक यू वेरी मच। तो छात्र जीवन के लिए एक विशेष दिन होता है, और इसी विशेष दिन के साथ नेशनल कॉलेज के अंदर दीक्षांत समारोह, और दीक्षांत समारोह की अंदर वो प्रस्तुतियाँ यानी अंदर वो अकादमिक हुड प्राप्त करते हुए आपको छात्र नज़र आ रहे हैं, प्रोफेसर्स भी अपने राजशाही पोशाक के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं। मैं आपके समक्ष उन छात्रों को प्रस्तुत करता हूँ जो परीक्षा उपरांत विज्ञान स्नातक की उपाधि के लिए योग्य पाए गए हैं, और मैं निवेदन करता हूँ कि इन्हें स्वीकार कर लिया जाए। मैं आपके समक्ष उन छात्रों को प्रस्तुत करता हूँ जो परीक्षा उपरांत विज्ञान स्नातक की उपाधि के लिए योग्य पाए गए हैं। तो
इस समय आप हाजिर हरियाणा और पीआर देसी खबर के साथ देख रहे दीक्षांत समारोह। राज्य के नेशनल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में दीक्षांत समारोह के उपरांत सभी जो छात्र हैं इस सेल्फी पॉइंट में, जो कि करोवेशन का एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया था, यहीं सभी छात्र अपना एक विशेष चित्र खिंचवाते हुए इसी विशेष चित्र के साथ आइए विशेष बातचीत करेंगे। मास्टर ऑफ आर्ट्स, तो आपने आज मास्टर ऑफ आर्ट्स कौन से स्काई में, यानी कौन सी डिग्री आपने प्राप्त की है? हिंदी से। आपने? हिंदी से। आपने? मास्टर ऑफ आर्ट हिंदी से। तो आप मेरे साथ इस समय देख सकते हैं नेशनल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में, जहां मास्टर ऑफ आर्ट्स हिंदी के अंदर यानी कि पीजी की डिग्री आज इन्होंने हासिल की है। यानी कि एक शैक्षणिक जो कि संस्थान होता है उसमें दीक्षांत समारोह बनाया जाता है और एक बेसब्री के साथ इंतजार रहता है। तो काफ़ी कितने सालों से आपको इंतजार था इस डिग्री का? दो साल। तो जैसा जानते हैं कि इस डिग्री का इंतजार तो रहता ही है, और आप इस सुनहरे लम्हे को कैसे याद करेंगे जैसे इस डिग्री को एक अपने कमरे में टांगा जाता है विशेष रूप से शीशे के अंदर जड़कर? सर, हम तो वैसे घर पे आराम से रख देंगे इनको, वैसे सोचते हैं कि शीशे में डाल दें, फिर अब तो ऐसे ही रखना पड़ेगा। तो आइए, मेरे साथ छात्राएं थी और उधर देखिए आप मेरे साथ गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज का वो लोगो, और इसी लोगो के साथ विशेष रूप से यहाँ चित्र खिंचवाते हुए, क्योंकि ये यादें याद रहनी चाहिए, और यादों के साथ बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी बीकॉम का छात्र हमारे साथ एक नज़र आ रहे हैं। तो कैसा लगा आपने ये जो डिग्री आज हासिल की है, एक समर्पण, एक त्याग और वो 3 वर्ष का आज वो अद्भुत तोहफा? हाँ जी सर, मेरा नाम मिंकल मेहता है और मैं सिरसा से बिलोंग करता हूँ, और हमने 3 साल मेहनत करी, उसका फल आज हमें मिल रहा है। तो मैं बाकियों को भी यही कहूँगा कि आपको भी सभी को मेहनत करनी चाहिए, और ताकि आपको इस फल इसका मिल सके। धन्यवाद। तो फल आज मिला है, इसी फल के साथ विशेष चर्चा इन छात्राओं के साथ। आज आपने कौन सी डिग्री हासिल की? मास्टर डिग्री के लिए। मास्टर आपने किस में किया? हिस्ट्री से। हाँ जी, हिस्ट्री। मास्टर ऑफ हिस्ट्री। तो कैसा आपका पूरा 2 साल का यहाँ छात्र जीवन? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। तो आइए इनसे चर्चा करेंगे। बेटा, मेरा नाम ममता है और मैंने MA हिस्ट्री से वो डिग्री ली है अभी। तो आगे किसकी तैयारियाँ चल रही है, नेट की चल रही है या PhD? अभी कोचिंग चल रही है। तो आप हमारे साथ इस समय जुड़े हुए थे, और आज वो पोशाक, ये वो राजशाही पोशाक है जिसका बेसब्री के साथ छात्र को इंतजार रहता है। इसी इंतजार के साथ बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी BA में आपके पास कौन से सब्जेक्ट थे? मेरे पास फिजिकल एजुकेशन और पंजाबी। तो कैसा लगा, आपने BA फिजिकल एजुकेशन और पंजाबी थी सर। तो आप अब क्या कर रहे हैं? अब सर मैं JBT में एडमिशन लिया सर, मैंने JBT की तैयारी कर रहा हूँ और साथ में सर CET की तैयारी कर रहा हूँ। तो हाजिर हरियाणा और PR देसी खबर के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और आज दीक्षांत समारोह की आप हमारे साथ विशेष झलकियाँ देख रहे थे। इसी विशेष झलकियों के साथ राज्यपाल पूर्व उड़ीसा के गणेशी लाल और उनके सुपुत्र मनीष सिंगला यहाँ विशेष रूप से उपस्थित हुए, और आज हमारी सभी झलकियाँ हाजिर हरियाणा और PR देसी खबर के साथ जुड़कर देखिए। तो आइए चलता हूँ, आपको अंदर ले चलता हूँ और वहाँ दिखाता हूँ कि किस तरीके से दीक्षांत समारोह में डिग्रियाँ बांटी जा रही है। हमारी जो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की टीम है, जो वाइस चांसलर साहब हैं अजमेर सिंह जी, और जो हमारे कंट्रोलर थे अभी तक जो हमारे साथी थे शैलेंद्र सिंह जी, जैसे हमने एक रिक्वेस्ट की और हमने उनको कहा कि कन्वोकेशन हमारी होने जा रही है और हमारे को करंट डिग्रीज अगर आप पहुंचा सकते तो पहुंचाइए, तो VC साहब ने 2 मिनट के अंदर अंदर, मैं अभी बात कर ही रहा था इतनी देर में उन्होंने फ़ोन उठा लिया था, और उन्होंने कहा था कि नहीं कैसे भी हो आपके कन्वोकेशन से पहले मैं डिग्री आपके पास पहुंचाऊंगा, एंड ही मेड इट श्योर। मेरे बैठे उन्होंने 3 जगह फ़ोन घुमा के और उनको डायरेक्शन दे दी थी। जब तक मैं VC साहब से निकला मिलके, तो रस्ते में मुझे मैसेज मिलने शुरू हो गए थे कि सर आपकी डिग्री का प्रोसेस हमने स्टार्ट करवा दिया है। कल वो बॉम्बे से चली और कल वो चंडीगढ़ पहुंची बाई एयर, और चंडीगढ़ से यूनिवर्सिटी का नुमाइंदा और हमारा नुमाइंदा मिलके वहाँ पे गए हुए थे, वहाँ से डिग्री लेकर आए। रात को यूनिवर्सिटी ने अपना काम किया, सुबह में अपना काम किया, और सुबह 11:30 बजे हमारे पास डिग्री से पहुँचा दी। तो यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत धन्यवाद। बतौर छात्र जीवन आपका एक पर्सन, जब आपने भी पहली बार डिग्री हासिल की सर? मैं अभी जैसे जिक्र कर रहा था कि छात्र के तौर पर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का छात्र रहा, और वहाँ पे भी देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की बहुत जानी मानी यूनिवर्सिटी है, और उनके दीक्षांत समारोह में हिंदुस्तान के बड़े से बड़े लेवल के जो नेता थे या जो एकेडमिशियंस थे वो आते रहे हैं। मुझे ध्यान है मेरी यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे
वाइस चांसलर के बाद चांसलर होते, तो चांसलर वाज एच डी शर्मा जी, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी रहे और उस समय शायद वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे इस लेवल की यूनिवर्सिटी। बट वहाँ पर भी मैंने ऐसा दीक्षांत भाषण कभी नहीं सुना। अपने बच्चों की कन्वोकेशन में मैं गया, दीक्षांत भाषण जिसको हम सही मायने में कन्वोकेशन एड्रेस कहते हैं, वो सुनने को शब्द वो नहीं मिले थे जो आज मिले। थैंक यू।